अस्सलाम वालेकुम। दो दो बच्चे क्यों उठाए हुए हैं? दो बेटे हैं ना। जुड़वा हैं ये? जुड़वा बच्चे हैं भाई, इसलिए दो दो इकट्ठे उठाए हुए हैं। हाय अल्लाह। खीर इन्हां दा पूरा नहीं थी दा घिनिया किलो घी आधा किलो घिनिया विच आधा पानी सटेनिया ते पूरा करेनिया। हां और 800 तरीक के जवान थे। अच्छा और किवें आधा किलो घिनिया थोला आपता देनिया। हां उतला पानी साटते ही जीवे वानो अल्लाह ती देने। हां अल्लाह ताला जिंदगी करे, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बेटा मेरा कितनी उम्र है इनकी? मजदूरी करें थे ये 7-7 महीना दे। 7-7 मंथ के हैं बेटा, मजदूरी करता है जी? हां अच्छा। खान गईया मी हुन किलो किलो आटा गिनते से ऐसा। हां ते खांदे से एक एक किलो आटा लेती हैं उसी में गुजारा। हां हाय कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। बहन बता रही है कि बेटा मजदूरी कर रहा है, उसको देखने गई थी। ये दो जुड़वा बच्चे हैं इनके जी। और इसके अलावा 3 बच्चे और भी हैं। एक बड़ा बेटा है जिसकी दिहाड़ी करके जो लाता है और इनका जो है गुजारा होता है। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे। छोटे छोटे जुड़वा बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं जी? दोनों बेटे हैं। अच्छा क्या नाम है इन दोनों का? उस्मान अजान। उस्मान अजान, नाम भी मिलते जुलते रखे हैं, ऐसे ही है जी। थक नहीं जाती दोनों को इकट्ठा उठा के? बस अल्लाह ने दिए हैं, अभी क्या करें। हाँ सही बात है। आपको मुश्किल लगती है या खुशी होती है? खुशी होती है, दो एक साथ माशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, है ना? ऐसे भी बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो बेचारे बे औलाद हैं, औलाद के लिए तरसते हैं। ये उनको भी दे। ये बच्ची जे, ये मेरी बेटी है। ये आपकी बेटी है? गुड़िया क्या हुआ है, क्यों बैठी हो यहाँ पे? नींद से उठी है। नींद से उठी है? आज उठो किंजा उठो। कौन सा घर है आपका? ये है, दरवाजा भी नहीं है, इतनी हमारी हस्ती नहीं है कि हम दरवाजा लेके दरवाजा लगवा लें। इतनी सी जगह से गुजर जाते हैं, क्या करें। हाँ चलें दिखाएं मुझे अपना घर। देखें तो दरवाजा नहीं है और ये छोटा सा रास्ता रखा हुआ है इन्होंने, जहाँ से ये गुजरती हैं बड़ी मुश्किल से ही। फिर क्या करें? हाँ बड़ा रखें तो बेपर्दी होती है। सही बात है, रस्ते बता रही हैं कि अगर हम बड़ा इसको खोल देते हैं, दीवार गिरा देते हैं तो फिर बेपर्दी होती है, जिसकी वजह से इन्होंने छोटी जगह रखी हुई है। लिटा से यहाँ पे मजदूर। चलो भाई लेट जो, देखो तो वो कल्ले पै भी नहीं सकते, नाल जुड़ गया, मैं उरे पाया उठ के नाल हो गया। जुड़वा है इस वजह से। हाँ ए देखो हेलो हेलो। पेट में भी इकट्ठे थे? हाँ जी अभी भी इकट्ठे हैं। वो लहदा लगी, ऐसे ही सोते हैं जब भी सोते हैं? ऐसे चिपक जाते हैं, चिपक जाती हैं जी। ये ज्यादा चिपकता है उससे ना, वो नहीं इतना चिपकता। ये देखो फिर गया। मकना तीसी कशिश है ना। हाँ देखो ना तुसी, वो फिर जा रहे हो देखो ले। वो उथे पिया जिथे पिया वा। बच्चे वीक भी हैं, बहन बता रही है आधा किलो दूध लेती हूँ और आधा किलो उसमें पानी डाल के फिर जो है इनको पिलाती हूँ। ये आपका कमरा है जी? ये एक अदद इनका कमरा है, ये किचन है इनका जहाँ पे ये खाना वगैरह बनाती हैं। बहुत मुश्किल होता है गरीब बंदे का गुजारा करना और जब बच्चे छोटे छोटे हों तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। कच्चियाँ किचन में डाली हुई हैं खुश्क होने के लिए। ये गांव में जो किचन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, छोटी सी दीवार की और एक तंदूर लगाया, इसी पे सालन बनाया और इसी के अंदर ही रोटी लगा ली। इस तरह जो है इनका गुजारा होता है। दूध निकाल रहा है, ये ऐसे निकालते हैं। बच्चा जब दूध निकालता है ना तो दूध की स्मेल और बच्चे की अजीब सी हो जाती है, ऐसे ही है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीना। समीना, समीना बहन है ये हमारी। कोई सोया हुआ है अंदर? ये सोई हुई थी मेरी बेटी। अच्छा ये कमरा है हमारी बहन का जिसमें ये रहती हैं। एक कमरा ही दे विच वाल। चलिए शुक्र है कि एक कमरा है तो सही। हाँ अपने है घर आपका? ये सरकारी जगह है। हाँ हाँ सोहरा ते सास हान ते उन्हा कमरा बढ़वा ते दीते। अच्छा बाल इतनी हस्ती का नहीं थी कि ऐसा आप दे लैटरीन बढ़वा सकूं। हाँ वॉशरूम नहीं है। ओए होए एक ही कमरा है उसमें। मोटारी का नहीं। ये क्यों बनाया हुआ है इधर से रास्ता? छोटे छोटे बच्चे था ना, इतनी अच्छा। सर्दी है। हाँ बाल बारू इतनी हस्ती का नहीं थी, बल अंधेरी में ही कार दीते से। अच्छा बल्ला काटते अंधेर भाई, बाला को अंधेर लुकाऊ। हाँ हाँ सही बात है, अंदर ही इन्होंने
बनाया हुआ है बेचारी ने कि बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए। मोटर ओ सोरे मेरे दी है वाले थौ असा भरेंदे से बेलूना कुड़ेंदे से। हां तो ना घर में पानी है ना वॉशरूम है। हां वॉशरूम कहानी देखो सामने शुरू में इतनी हस्ती नहीं थी हुन बालों को पालूं। हां बाहर होना सा वॉशरूम रो मोटर हुन कितनी महंगाई है। सही बात है पानी लगवा दें आपको। हां चेहरा धो लेता है बंदा बच्चों को नहला लेता है और भर के पानी लाना भी काफी मुश्किल होता है। ये हमारी बहन का सहन है देखें आप, ना इसमें वॉशरूम है और ना ही इनके पास कोई पानी का इंतजाम है। जवान मेरा तारी तांग राख राख रखते गया कणक वढ़ण गया बहू तांग आके आटा कानी अब ता आज आ वन आज आ वन। चलिए अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे। आटे की वजह से बेचारे बहुत परेशान होते हैं, घर में आटा नहीं है। सबसे जो ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है वो आटे की है। चा चा नारो मारे फिर आकू और हाँ किन जा तू इंदे को भाई बिरा को ये हमारी प्यारी सी बहन काफ़ी परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं दूध के लिए तंग होती है, जहरी बात है जो दो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है उनको दूध पिलाना। और ये देखें बेचारे वीक भी हैं, इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं हो रही। जिस तरह पेट भर के बच्चों को दूध दिया जाता है वैसे नहीं मिलता, इतना दूध नहीं होता जितना ये बता रही हैं कि इसमें पानी डाल के बच्चों को पिलाती हूँ। अल्लाह ताला हमारी ऐसी बहनों पर आसानियाँ पैदा फरमाए। इनको जो ज़रूरत है वो वाशरूम की भी है और साथ में नलके की भी है और कारोबार की भी है। जो इनका बेटा मजदूरी करता है अगर उसको हम कोई कारोबार करवा दें तो इनके घर के हालात बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए। प्यारी बहन ये आपके लिए सूट है, ये आपके मियाँ का सूट है, आपने दुआ करनी है जिस फैमिली की तरफ से आपके लिए दो बोरी आटे की राशन कपड़े और ये पैसे दे रही हैं अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे। आमीन। एक दो मेरे पुत्र दे खीर दे पैसे रेंदा पर मैं कोई हो साए 9 10 अल्लाह सही बहु दे वे हुकु बच्चों को पेट भर के दूध पिलाइएगा या इनके दूध के लिए है ठीक है। हाँ सही बहुत। आमीन आमीन। मैं शुक्र गुज़ार हूँ उन फैमिलियों की जिनके तामन से हम यहाँ तक पहुँचते हैं और इस तरह के जो हमारे बच्चे बेचारे दूध नहीं पी पाते उनके घर तक पहुँचते हैं, उनको राशन देते हैं और उनको कुछ पैसे देते हैं ताकि इनके हालात बेहतर हों। और इंशाल्लाह आगे हमारी कोशिश है कि हम जो है लोगों को कारोबार करवा के दें, क्योंकि राशन जो है वो जब हम एक मरतबा दे के जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। कारोबार ऐसी चीज़ है अगर आप किसी को अपने कदमों पे खड़ा करते हैं या किसी को काम करवा के देते हैं तो वो ताहयात चलता है, जिससे ये डर नहीं होता कि राशन तो ख़त्म हो जाता है लेकिन कारोबार चलता रहता है। अगर वो दिन में निकलेगा कुछ ना कुछ कमा के लाएगा तो इनके घर के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी आप नमाज़ पढ़ के दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बेहतर सबक पैदा करेगा। हाँ जी इंशाल्लाह दुआएं निकल दें, कोशिश करेंगे जल्द आपका नलका लग जाए और आपके लिए वॉशरूम भी बनवा के दे सकें। हाँ जी मेहरबानी अल्लाह पाक। मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है आसिया जोजा नज़ीर, उन्होंने अपने वालदैन के साले सवाब के लिए ये राशन दिया है। कपड़े राशन पैसे उनकी तरफ से हैं, अल्लाह पाक उनके वालदैन को इस चीज़ का ढेर सारा अजर दे और अल्लाह पाक हमारी आसिया सिस्टर को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे बेटे को कारोबार भी लगा दो। कौन सा कारोबार करेगा आपका बेटा? रेड़ी लगा दो। गोलगप्पों की रेड़ी लगवा दें। गोलगप्पे ऐसा कारोबार है जो सर्दी गर्मी दोनों में चलता जी, है जी, जी। गरीब हो या अमीर हो गली मोहल्ले में लोग लेते हैं मजदूरी करने का। हाँ जी चलें इंशाल्लाह ताला लगवा देंगे। ठीक हो। नलका किस जगह पे लगवाएंगी? इधर लगाने हैं, यहाँ पे खड़े होके बताएं जगह दिखाएं। अच्छा अपने घर के भाई मेरा
देवार है हम्म वो शो दे रोजी किनु तांग थी ते ना ओ तो ठीक है हम्म वो बाहर माल दी करण गायब वदन हां ते ओ इथों केरा वाले ओ पीवेन असा पीऊ ए पीवेन ठीक हो गया। बहुत अच्छी सोच है मेरी इस बहन की। ये मेरी बहन कह रही है कि यहां पे नलका लगवाऊंगी ताकि यहां पे जितने भी 3-4 घर हैं वो भी यहां से भरें और मैं भी पीऊं। तो ये अच्छी सोच है कि अगर आपके घर में नलका लग रहा है तो जिस घर में पानी ना हो वो यहाँ से भरेगा, तो जो लगा रहे हैं उन्हें भी सवाब होगा और हमारी इस बहन को भी। हाँ जी, अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी। चलें ठीक है, यहाँ पे लगवा देंगे नलका। वो रास्ता है वहाँ से आने का और यहाँ पे जो है नलका लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, रमजान को कारोबार करवा के दिया है गोलगप्पों का। ये छोटे बड़े बच्चे सभी को पसंद होता है, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले और बच्चा दिल लगा के इंशाल्लाह ताला मेहनत करेगा और इनके घर के हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आजकल जो गोल गप्पों की प्लेट है वो तकरीबन 100-150 की मिलती है आम जगह पे भी, और कर लोगे बेटा काम? हाँ इंशाल्लाह कर लें। रमज़ान की वालदा ने कहा था मेरे बेटे को काम करवा दें, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि रमज़ान का कारोबार जो है वो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक चलता हुआ कारोबार है जो कि रमज़ान बेटे को लेके दिया है और आगे इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे और इस कारोबार को चलाएँगे। मैं शुक्र गुज़ार हूँ जिनकी तरफ से ये कारोबार हुआ है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं सईद यूके से, उनके लिए आपने दुआ करनी है, ये कारोबार उनकी तरफ से है। ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक आपके भी हालात बेहतर करे। बहुत शुक्रिया सईद भाई का। ये साफ़ सुथरी ज़बरदस्त छत वाली जो है रेडी है, ये आप देखें ये गोलगप्पे हैं सारे, पापड़ी है जिसमें भरे जाते हैं गोलगप्पे, और इसके अलावा ये प्लेटें हैं जिसमें डाल के दी जाती है, और ये कूलर हैं जिसमें मसाला वगैरह और मायोनीज़ वगैरह इनकी रखी जाती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेटा इस कारोबार को बढ़ाएगा चलाएगा, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। साफ़ सुथरी छत वाली रेडी है, धूप भी नहीं लगेगी सामान को, और इस तरह सामान जो है वो महफूज रहता है क्योंकि बारिश वगैरह अगर आती है या आंधी धूप वगैरह आती है उससे सामान ख़राब हो। ये आपके लिए ठीक है, घर कुछ ले जाइएगा। ओके, बिस्मिल्लाह पढ़ के, नमाज़ पढ़ के कारोबार कोई भी काम अगर बंदा शुरू करता है तो उसमें अल्लाह पाक बरकतें ज़रूर डालता है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह के हवाले। थैंक यू, आपने हमारी मदद की है, आपका शुक्रिया और चैनल वालों का भी शुक्रिया। और बेटा आपने दुआ किसके लिए करनी है? जिस चैनल वालों ने आप मदद की हमारी उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा और आपके लिए भी दुआ करूँगा। सईद फैमिली के लिए? सईद फैमिली के लिए। ठीक है, जिस अंकल ने हमारी मदद की है। जी जी, तो आपने उनके बच्चों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को फर्मा बरदार बच्चे बनाए वालदैन का। ठीक है, आमीन। और कामयाब इंसान बनाए इंशाल्लाह। और आपके अंकल जो सईद भाई हैं वो इसी तरह लोगों को कारोबार करवा के देते रहें। ठीक है, ठीक है बेटा जी, चलें, जज़ाकअल्लाह खैर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकअल्लाह।